हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द क्लास तो आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर वन डेट इज मेजरमेंट का लेक्चर नंबर टू करने वाले हैं तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया था सो द फर्स्ट टॉपिक वॉज फिजिकल क्वान्टिटी तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं राइट right? लास्ट क्लास में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटी पढ़ा था कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज का हमने नाम भी लिखा था जैसे कि हो गया आपका मास हो गया राइट right? लेंथ हो गया हाइट हो गया तो so ये सारा क्या है ये सारा आपका फ़िजिकल क्वांटिटीज़ है तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था फ़िज़िकल क्वांटिटी राइट उसके बाद हमने कवर किया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स सिस्टम सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स जहाँ पे हमने यूनिट के तीन सिस्टम के बारे में पढ़ा था वो तीनों सिस्टम क्या क्या है आप लोगों को याद होना चाहिए द फर्स्ट सिस्टम वॉज सी जी एस सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम द सेकेंड सिस्टम वॉज एफ पी एस सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं फूट पाउंड सेकेंड सिस्टम एंड द थर्ड सिस्टम वॉज एम के एस सिस्टम और इसी का नाम था एस आई सिस्टम राइट तो एम के एस का फुल फॉर्म क्या था एम के एस का फुल फॉर्म था मास किलोग्राम सेकेंड राइट right? और इसके बाद हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ यूनिट राइट द नेक्स्ट टॉपिक वॉज टाइप्स ऑफ यूनिट तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स में हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट के बारे में फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में तो ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है आपका टॉपिक यूनिट से यूनिट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट टॉपिक विल बी पॉइंट्स मे बी नोटेड पॉइंटेडिंग एस आई यूनिट्स राइट तो हमें किस किस पॉइंट्स को नोट करना है किसी भी एस आई यूनिट को लिखते वक्त जैसे कि फर्स्ट देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है द फुल स्टॉप कॉमा एक्सेट्रा आर नॉट रिटेन आफ्टर द सिंबॉल ऑफ द यूनिट्स ठीक है क्या बोल रहा हूँ फुल स्टॉप कॉमा एक्सेट्रा आर नॉट रिटर्न आफ्टर द सिंबल ऑफ द यूनिट्स जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे के जी तो ये लिख दिया के जी राइट अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है किलोग्राम तो उसको आप लोग क्या लिखते हो के जी लिखते हो लेकिन ये के जी लिखना एकदम करेक्ट है लेकिन अगर मैं लिखता हूँ के जी के बाद डॉट तो ये आपका रॉन्ग हो गया राइट मैं काफी लोगों को देखा हूँ इस तरह से लिखते हुए जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे मीटर राइट ये मीटर क्या है ये एम जो मैं लिखा वो मीटर का शॉर्ट फॉर्म है राइट right? राइट right? तो अगर मुझे लिखना होगा मीटर्स तो सॉरी uh, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ मीटर डॉट मैंने एम डॉट तो ये क्या हो गया ये आपका रॉन्ग नोटेशन हो गया यूनिट लिखने का क्लियर तो हम लोग यूनिट को यूनिट के बाद कभी भी डॉट यूज नहीं करेंगे फुल स्टॉप यूज नहीं करेंगे या फिर कॉमा का यूज नहीं करेंगे क्लियर याद होना चाहिए चलो द नेक्स्ट पॉइंट इज द सिंबॉल ऑफ द यूनिट्स आर ऑलवेज यूज इन सिंगुलर फॉर्म तो सिंबॉल जैसे कि हो गया अगर मैं लिखता हूं अगेन अगर मैं सेम एग्जाम्पल लेता हूं सपोज मैं लिखता हूं के तो ये आपका राइट सिंबॉल है लिखने का लेकिन वहीं पे के जी एस ये आपका रॉन्ग हो गया राइट उसी तरह से अगर मैं लेता हूँ सेंटीमीटर तो ये एकदम राइट है लेकिन अगर मैं लेता हूँ सेंटीमीटर्स तो ये रॉन्ग हो गया कभी भी जो यूनिट का जो सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए किस में होना चाहिए सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए उसके बाद हम लोग कभी भी एस या ई एस कभी भी एड नहीं करेंगे राइट right? in even पॉइंट इज द after इन इनिशियल देखो आप लोगों ने काफी यूनिट्स पढ़ा होगा एक यूनिट मैं यहाँ पे बताता हूँ जैसे कि हो गया सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं एम्पियर राइट right? ये मैं लिखा यहाँ पे एम्पियर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट बट ये जो मैं लिखा ना ये रॉन्ग लिखा राइट? क्योंकि यूनिट लिखने का तरीका यह है कि कभी भी आप अगर किसी यूनिट को लिख रहे हो तो द तो तो फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल ठीक है तो फर्स्ट लेटर क्या होगा फर्स्ट लेटर होगा इस तरह से ए एम पी ई आर ई राइट तो नेम ऑफ अ यूनिट नेवर रिटर्न इन इनिशियल कैपिटल लेटर यह आपको याद रखना है कभी भी इनिशियल लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर में यूज नहीं करेंगे तो जैसे कि हो गया एम्पियर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जूल राइट right? ये हो गया जूल ये भी राइट सिंबल है ये भी राइट सिंबल है वही पर अगर मैं लिखता हूं किलोग्राम राइट तो ये भी क्या ये भी आपका राइट सिंबल है मैं पे स्मॉल के यूज किया हूं। राइट तो इस तरह से कभी भी अगर आप यूनिट को लिख रहे हो तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल लेटर होना चाहिए कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए भले ही वो किसी का नाम पे क्यों ना हो जैसे कि ये जूल हो गया जूल किसी के नाम पे हमने इसका यूनिट रखा है तो इसका जो इनिशियल लेटर होगा डेट शुड बी स्मॉल लेटर क्लियर तो ये तीन पॉइंट एकदम क्लियर है राइट फर्स्ट पॉइंट फुल स्टॉप या कॉमा नहीं देंगे सेकंड पॉइंट सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे एंड थर्ड पॉइंट अगर किसी का नाम हो या नाम ना भी हो अगर आप फुल यूनिट लिख रहे हो राइट right? यूनिट का नाम लिख रहे हो तो फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन

राइट इफ अ यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन द सिंबल ठीक है ओनली सिंबल इज रिटन इन द कैपिटल लेटर बट अगर ये किसी का नाम नहीं है राइट right? अगर ये किसी का नाम नहीं है जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं मैं किलोग्राम यहाँ पे मैं लिख दिया किलोग्राम ये किसी का नाम नहीं है राइट right? तो इसका जो स्मॉल इसका जो सिंबॉल होगा डैट विल बी स्मॉल के स्मॉल जी के जी राइट right? तो इस तरह से हम लोग किसी का अगर नाम पे यूनिट है तो उसको अगर मुझे सिंबल के फॉर्म में लिखना है तो कैपिटल लेटर से हम लोग उसको दिखाने वाले हैं लेकिन अगर किसी के नाम पे बेस्ड नहीं है तो हमें स्मॉल लेटर्स का ही यूज़ करना है राइट right? ओके okay. तो ये आपका फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट क्या है व्हेन द टेम्परेचर इज एक्सप्रेस इन केल्विन स्केल द डिग्री साइन दैट इज देखो ये वाला साइन जो हम लोग यूज करते हैं इज नॉट यूज्ड जैसे कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं 273 केल्विन राइट right? तो ये आपका करेक्ट सिंबल है लेकिन कभी भी अगर मैं ऐसे लिखू टू सेवेंटी थ्री डिग्री केलविन तो ये आपका रॉन्ग हो गया केलविन में कभी भी हम लोग डिग्री वाला सिंबल यूज नहीं करेंगे लेकिन सेल्सियस में हम लोग यूज करेंगे हाँ सेल्सियस में जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस तो ये आपका करेक्ट सिम्बॉल है राइट ओके द नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज यूनिट्स लाइक मीटर पर सेकेंड एक्सेट्रा आर सेकेंड जैसे कि अगर किलोग्राम सॉरी नॉट किलोग्राम अगर यहाँ पे लिखता हूँ सपोज पे लिखता हूँ किलोमीटर पर सेकेंड जैसे कि अगर किसी का स्पीड अगर मुझे बताना है तो दैट इज किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ पर इसको लिख सकते हो आप लोग किलोमीटर सेकेंड इनवर्स के फॉर्म में राइट पर का मतलब क्या हुआ कि यह आप लोग इसको ऐसे लिख रहे हो किलोमीटर बाई सेकेंड अगर नीचे में से तो ऊपर में लिखना है तो ये एस टू दावर माइनस वन हो जाएगा क्लियर तो कभी भी अगर इस तरह से सिंबल है मीटर पर सेकेंड उसको अगर आप लोग बोल रहे हो तो यूनिट शुड बी रिटर्न एज मीटर बाई सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं एक्सलेरेशन का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसको आप लोग लिख सकते हो मीटर एस टू दावर माइनस टू के फॉर्म में Clear? तो इस तरह से हम लोग जो यूनिट्स है पर से के फॉर्म में जिसको हम, लो लिखते हैं, उसका हम लोग किसी भी ऐसा यूनिट्स को लिखते वक्त आई होप यहां तक पूरा क्लियर है आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशन राइट तो डायमेंशन किसको बोलते है? पहले हम लोग ये देख लेते हैं द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर रेज टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड यूनिट आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट यूनिट ठीक है फिर से रीड करना द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर रेज टू रिप्रेजेंट डूनिट आर कॉल द डायमेंशन ऑफ दैट यूनिट जैसे कि अगर मैं सपोज यहाँ पर लिखना चाहता हूँ वॉल्यूम सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ वॉल्यूम वॉल्यूम को का फॉर्मूला क्या है आप सबने पढ़ा होगा सपोज अगर आपके पास एक क्यूबॉयड है अगर मैं यहाँ पे क्यूबॉयड बनाता हूँ तो इसका क्या होगा इसका लेंथ होगा ब्रेथ होगा हाइट होगा क्लियर इसका लेंथ होगा ब्रेथ होगा हाइट होगा तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो इसका वॉल्यूम सो so, वॉल्यूम को मैं लिखूँगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के फॉर्म में लेंथ का यूनिट क्या होगा सपोज़ अगर मुझे ऐसा ही में लिखना है तो लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर ब्रेथ का क्या होगा ब्रेथ का भी होगा मीटर हाइट का क्या होगा हाइट का भी होगा मीटर ध्यान से देखना अगर हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला में हमने तीन फिजिकल क्वांटिटी का यूज किया है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट बट तीनों का जो यूनिट है दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ ओनली तो यहाँ पे जो फंडामेंटल यूनिट हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज द यूनिट ऑफ लेंथ जो कि हमने यूज किया है मीटर क्लियर है यहाँ तक तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर टू द पावर थ्री मीटर टू द पावर थ्री या फिर अगर मुझे इसको डायमेंशन के फॉर्म में या फिर लेंथ के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मैं इसको लिखूंगा दिस इज गोइंग टू बी एल कैपिटल एल टू द पावर थ्री राइट तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं लेकिन अभी के लिए देखो यहाँ पे वॉल्यूम को आप प्रेजेंट कर पा रहे हो वॉल्यूम को आप लोग लिख पा रहे हो लेंथ टू द पावर थ्री के फॉर्म में तो ये जो पावर आप लोग देख पा रहे हो ये जो आप लोग थ्री लिखा है आपने ये जो आपने थ्री लिखा है डेट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम राइट सो दिस इज डायमेंशन दिस इज कॉल्ड डायमेंशन क्लियर इसी तरह से अगर मैं सपोज यहाँ पे यूज करता हूँ मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक फार्मूला लेता हूँ सपोज मैंने यहाँ पे लिया है स्पीड का फॉर्मूला राइट right? स्पीड का फार्मूला क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड राइट मीटर किसका यूनिट है मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ सेकेंड टाइम का तो आप इसको लिख सकते हो एल टी टू दावर माइनस वन के फॉर्म में ठीक है फिर से देखना मीटर पर सेकेंड है मीटर पर सेकेंड को आप लोग लिख सकते हो एम एस टू दावर माइनस वन के फॉर्म में जो कि हमने लास्ट में पढ़ा है अभी राइट ओके तो उसी तरह से एम के इसका यूनिट है एम ए यूनिट ऑफ लेंथ टी किसका यूनिट है टी इज यूनिट ऑफ सॉरी सेकंड किसका यूनिट है सेकंड सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम तो मीटर पर सेकंड को अगर आप डायमेंशनल फॉर्मुला में लिखना चाहते हो तो डैट इज गोइंग टू बी एल टी टू दावर माइनस वन अब ध्यान से देखना यहां पर अगर मुझे डायमेंशन बताना हो राइट right? यहां पे अगर मुझे डायमेंशन बताना हो सो ये जो आप लोगों को लिख लिखा है एल के पावर में कुछ भी नहीं है मतलब कि वन है तो ये जो वन हो गया ये जो माइनस वन हो गया सो दो आर द डायमेंशन ऑफ द स्पीड राइट तो फिर से एक बार मैं डेफिनेशन में जा रहा हूँ द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर रेज टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड यूनिट आर कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट यूनिट क्लियर यहाँ तक आगे बढ़े फिर चलो द नेक्स्ट इज डायमेंशनल फार्मूला एंड इक्वेशन ठीक है तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एन एक्सप्रेशन व्हिच गिव्स द फंडामेंटल यूनिट्स ऑन व्हिच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स एंड द नेचर ऑफ डिपेंडेंस राइट देखो डायमेंशनल फार्मूला क्या है ठीक है यहाँ पर मैंने क्या किया था वॉल्यूम को एल टू द पावर थ्री के फॉर्म में चेंज किया था राइट right? ये एल क्या है एल है आपका सिंबल ऑफ लेंथ क्या है सिंबल ऑफ लेंथ तो मैंने वॉल्यूम को इसका जो फंडामेंटल यूनिट है राइट right? उसके पावर में एक्सप्रेस कर दिया फंडामेंटल यूनिट के पावर में एक्सप्रेस कर दिया तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये अगर पूरा आप लोग देख पा रहे हो सो दिस होल थिंग इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला सही है उसी तरह से यहां पे देखना ये जो मैंने मीटर पर सेकेंड को एल टी टू दावर माइनस वन लिखा है क्योंकि मीटर किसका यूनिट है मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ और सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम तो ये पूरा जो मैंने यहां पे यूज किया है दैट इज ऑल्सो योर डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला सही है तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है किसी भी डिराइव्ड यूनिट को आप उसके फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो राइट right? तो वो जो आप फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो सो डैट इक्वेशन डैट इक्वेशन और डैट फार्मूला कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डैट पर्टिकुलर डिराइव्ड डिराइव्ड क्वांटिटी क्लियर चलो तो आगे बढ़ते हैं कुछ कुछ बेसिक जो आपके पास फॉर्मूला है फिजिकल क्वांटिटीज है उसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिखने का यहाँ पर ट्राई करेंगे सो फर्स्ट इज विलोसिटी एक एक करके लिखना लिखते जाना द फर्स्ट जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डैट इज विलॉसिटी तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है इज़ मीटर मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है सर मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ तो मैं लिख रहा मास के, के फॉर्म में, तो तो में अगर आपको एक्सप्रेस करना है जैसे आप देख पा रहे मास का कोई भी यूनिट यूज नहीं किया गया है, तो आप लोग पावर जीरो पावर वन एंड टी टू पावर माइनस वन ठीक है किसी का पावर जीरो का मतलब हो गया वहां पे वन है राइट मतलब हाँ पे मास का कोई भी यूनिट यूज नहीं है तो इस स्मॉल में कैपिटल में कंफ्यूज मत होना कैपिटल एम जो है डेट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मास एल जो है डेट इज द शॉर्ट फॉर्म या फिर सिम्बॉल ऑफ लेंथ है और ये जो टी है डेट इज सिंबॉल ऑफ टाइम है ठीक है इसके साथ आप अदर अदर क्वांटिटीज को जैसे कि मीटर को लेकर कंफ्यूज मत करना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं जैसे कि ये हो गया वेलोसिटी द द नेक्स्ट नेक्स्ट इज इज बेसिक पिजारों में नेक्स्ट इज एक्सलेन नेक्स्ट क्या है एक्सलेरेशन राइट right? अगर फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं है हम लोग आगे पढ़ने वाले फॉर्मूलाज तो अभी के लिए जैसे बता रहा हूं अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कैसे लिखना है फॉर्मूला अगर याद नहीं है फिर बोला फॉर्मूला अगर याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आगे हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे फिर डिराइव करेंगे लेकिन अभी के लिए अगर सपोज फॉर्मूला पता है तो हम लोग किस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं वो मैं बस बता रहा हूँ जैसे कि एक्सलेरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब बताओ मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ है तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे एल टी टू पावर क्या लिखोगे माइनस टू क्योंकि पर सेकंड स्क्वायर है यहां पे नीचे में इसके पावर में टू है मतलब कि टाइम का जो डायमेंशन होगा दैट इज गोइंग टू बी माइनस टू यहां पे मास का डायमेंशन है क्या नहीं तो यहां पे मैं लिख देता हूं एम टू दावर जीरो पावर में कुछ नहीं था मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं उसको वन क्लियर तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्म ऑफ एक्सलेशन चलो आगे बढ़ते हैं द थर्ड आई एम गोइंग टू यूज इज फोर्स मैं थर्ड वाला यूज कर रहा हूं फोर्स अब बताओ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा सर फोर्स का यूनिट है मैं नहीं पता फोर्स का यूनिट आपने पढ़ा होगा तो फोर्स का यूनिट आपने पढ़ा होगा क्या था यूनिट याद करो थोड़ा डैट इज न्यूटन डैट इज न्यूटन राइट अब बताओ ये जो मैंने यूनिट लिखा ये सही लिखा है क्या सर गलत लिखा आपने क्योंकि अभी आपने पढ़ाया कि किसी भी अगर नाम भी हो तो फर्स्ट लेटर हम लोग यूज करेंगे डैट शुड बी स्मॉल राइट डैट शुड बी स्मॉल मतलब कि होने वाला है न्यूटन लेकिन वहीं अगर मैं सिंबल यूज करूं तो सिंबल क्या हो जाएगा सिंबल हो जाएगा एन कैपिटल यूज करना है। नाम है मतलब कि कैपिटल लेटर यूज करना है सिंबल में देखो फोर्स का यूनिट मैंने लिख दिया न्यूटन तो आपको याद नहीं आ रहा है कि न्यूटन को हम लोग किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट करें याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है मतलब कि अब मैं जाऊंगा उसके फॉर्मूला में राइट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सलरेशन मास इनटू एक्सलरेशन मतलब कि फॉर्मूला याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर यूनिट याद भी नहीं आ रहा है अगर फार्मूला याद है तो उस फार्मूला से हम लोग यूनिट को लिख सकते हैं मास का यूनिट क्या होगा मास का यूनिट हो जाएगा के जी एक्सलेशन का यूनिट हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब कि यूनिट ऑफ फोर्स हो गया यूनिट ऑफ फोर्स हो गया के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट चलो आप इसको इसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं ठीक है ध्यान से देखना के जी क्या है के जी है यूनिट ऑफ मास मतलब मैं इसको लिखता हूं एम कैपिटल एम ठीक है उसके बाद उसके बाद ध्यान से देखना उसके बाद क्या है मीटर मीटर किसका यूनिट है मीटर है सर यूनिट ऑफ लेंथ तो यहाँ पे लिखा कैपिटल एम के के लिए लिए राइट मीटर के लिए मैं लिखा एल और पर सेकंड स्क्वायर के लिए, लिए लिखते हूं मैं टी टू दावर माइनस टू मतलब की हो गया एम एल टी टू दावर माइनस टू यहाँ पे आप लोग पावर में वन लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते है? कोई दिक्कत नहीं है क्लियर है बताओ एकदम क्लियर है तो किसी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मुझे डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो उसके लिए उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए ठीक है अगर फार्मूला याद है तो यूनिट याद हो जाएगा अगर यूनिट याद है तो ईजली हम लोग उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं बताओ कोई दिक्कत है ठीक है और बताओ और किसके यूनिट हम लोग हम लोग किसका डायमेंशनल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं कोई एक बेसिक क्वान्टिटी चलो बेसिक क्वान्टिटी मैं पर ले लेता हूँ सपोज वर्क वर्कडन ले लिया मैंने मैं पहले लेता हूं वर्क डन वर्क डन वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मुला बताओ वर्क डन का formula होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सही है अब ध्यान से देखना फोर्स का जो फॉर्मूला होगा या फिर जो यूनिट होगा दैट इज गोइंग टू बी के मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो जाएगा मीटर मतलब कि ओवरऑल ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अब बताओ इसमें किसी को अगर कंफ्यूजन हुआ है मैं फिर से यहां पर दिखा रहा हूं देखो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर क्लियर अब इसका मैं डाइमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ ध्यान से देखना के जी इज द डाइमेंशन ऑफ मास तो एम हो गया मीटर इज द डाइमेंशन ऑफ लेंथ तो ये हो गया एल स्क्वायर एंड टी टू दावर माइनस टू वेरी गुड मतलब कि आप लोग यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिए वर्क डन का तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना इज वेरी इजी राइट बस आपको याद क्या रखना है उसका फॉर्मूला याद रखना है तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अभी के लिए आपको इतना सारा फार्मूलाज याद नहीं रखना है जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे फार्मूलाज यूज होते जाएंगे हमें याद होते जाएंगे राइट चलो तो अभी के लिए हम लोग डायमेंशनल फार्मूला को यहाँ पे खत्म करते हैं आगे बढ़ते हैं आगे हमारा टॉपिक है सम स्पेशल यूनिट्स राइट right? कुछ स्पेशल यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं इन फिजिक्स जो कि मोस्टली आपको बहुत कम यूज होने वाला है विल से राइट थ्रू आउट द चैप्टर थ्रू आउट द फिजिक्स ये बहुत कम यूज होने वाला है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ाना इंपॉर्टेंट है जैसे कि कभी कभी लाइट ईयर पूछ दिया जाता है कि लाइट ईयर क्या होता है तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट द फर्स्ट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है डेफिनेशन याद रखना है और इसका वैल्यू याद रखना है इन मीटर इट इज द मेन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ क्या है मेन डिस्टेंस है बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंडल्यू इज वन पॉइंट फाइव इंट द पावर इलेवन मीटर राइट वैल्यू क्या है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर इलेवन मीटर क्लियर ओके, नेक्स्ट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है इट डिस्टेंस बाय द लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर क्या है डिस्टेंस बाय द लाइट इन वैक्यूम इन ईयर। मेजरमेंट कितना, ये कितना है? तो ये करने के लिए, सबसे पहले देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता, right? होता है कोई दिक्कत नहीं है मैं आप स्पीड यूज कर देता हूँ ठीक है आगे पढ़ने वाले इन सब में क्या डिफरेंस है तो ये होता है स्पीड इन टाइम स्पीड क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट क्या इन वैक्यूम थ्री इंटू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड राइट टाइम कितना बोला मैंने वन ईयर वन ईयर में सेकेंड वन ईयर मतलब कितना सेकेंड थ्री सिक्सटी फाइव डेज राइट ये क्या हो गया ये हो गया योग राइट तो थ्री सिक्सटी फाइव आर में से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल आर आ गया इसको आपने चेंज कर दिया है मिनट में और फिर उसको आपने चेंज कर दिया है, में तो ये टोटल जो आप लोगों ने टाइम लिखा है सॉरी ईयर uh, का टाइम लिखा है इन सेकेंड राइट तो ये कितना आ रहा है यार नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेंट दि पावर फिफ्टीन मीटर तो वन लाइट ईयर का मतलब हो गया नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेंट दी पावर फिफ्टीन मीटर Clear? इसको आप लोग लिख सकते हो क्या? Sir, क्या कर रहे हो अभी तो कि कभी भी हम लोग, कभी भी भी हम हम लोग लोग पढ़ाएर फॉर्म यूज नहीं करते हैं क्लियर चलो वेरी गुड आगे बढ़ते हैं Third point is parsec, जिसको बोलते हैं ध्यान से पढ़ना एन आर ऑफ लेंथ ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट राइट एन आर्क ऑफ लेंथ सब्सटेंड एट एंगल ऑफ वन सेकेंड ऑफ एन आर्क सबस्टेंड एट एंगल ऑफ वन सेकेंड ऑफ एन आर्क तो ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं कि किस तरह से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर दें जैसे कि मान के चलो सपोज एक स्मॉल सा एक आर्क है एक आर्क है राइट right? मतलब कि एक सर्कुलर का एक सर्कल का छोटा सा पोर्शन है अब ये सर्कल का अगर छोटा सा पोर्शन अगर ये फुल सर्कल अगर होता अगर ये सपोज फुल सर्कल होता सेंटर होता सेंटर अगर है तो ये जो टोटल आर्क है ये एक एंगल बना रहा होता सेंटर पे इस एंगल का नाम दे दो तो थीटा ठीक है अब ये आर्क लेंथ क्या होता है आर्क लेंथ को अगर हम लोग एस बोले और इसके रेडियस को हम लोग आर बोले तो एस होता है हमारा आर इन क्लियर चलो अब ये क्या है यह एस हो गया आपका आर्क आर्क लेंथ लेंथ क्या क्या है ये है आपका थीटा एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर अब इससे रिलेट करके अब इसको पढ़ो इट इज अ डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ वन ए यू सब्टेंड एट एंगल सब्टेंड एन एंगल ऑफ वन सेकेंड

क्या है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं यू अब ये यू क्या होता है इट इज इक्वल टू द वन ट्वेल्थ ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप क्या है इट इज इक्वल टू वन द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप दैट इज सी सिक्स टूल्व प्रीवियसली इट वॉज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट मतलब कि कार्बन का राइट कार्बन का एक आइसोटोप है इसको लोग बोलते हैं कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप जिसका सिंबल क्या है सी सिक्स ट्वेल्व इसके मास का वन बाई ट्वेल्व को हम लोग बोलते हैं वन amu या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूनिफाइड सॉरी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यू स्मॉल यू जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट वैल्यू क्या होता है वैल्यू होता है वन पॉइंट टू दावर माइनस ट्वेंटी सेवन राइट ओके सो वन यू क्या होता है होता आपके पास वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ये आपको याद रखना है चलो ये एक्चुअली यहां पे रॉन्ग लिखा गया है ओके, सो वन के जी अगर आप unit, के जी को यूनिट यूनिफाइड एटोमिक मास के फॉर्म में चेंज करना चाहते हो सो दैट इज गोइंग टू बी सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू ट्वेंटी सिक्स यू राइट right? तो अगर वन के जी को यू के फॉर्म में चेंज करना है सो दैट इज गिक्स पॉइंट जीरो टू टू इन टू टू दी पावर ट्वेंटी सिक्स यू क्लियर है यहाँ तक चलो तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर जो कि टोटली बेस्ड था डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला पे और कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना किसी भी यूनिट को लिखने के लिए क्लियर और कुछ हम लोग स्पेशल यूनिट्स को हम लोग कवर कर लिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स